नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। ये मानो कम से कम भी 20-25 हजार, मतलब 20-25 हजार तो 50,000 बोरी कम से कम है, क्विंटल धान पड़ा है मंडी में। कल से कोई खरीदार नहीं, कुछ किसान आने लग रहे थे, उनको ये कह दिया भैया मंडी में जगह नहीं है, लेकर बताओ। सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना दी, जैसे गेहूं का सीजन आता है, लोगों के दिमाग में ये चला जाता है कि भी आड़ती कर रहे हैं, मंडी ने बंद, आड़ती तो आज बेचने के लिए तैयार है। जैसे गेहूं का है, गेहूं का कह दिया भी नहीं, सरकार ने ये लगा दिया, टैक्स लगा दिया, आज गेहूं किसान के पास 2700 हो गया। इसीलिए किसान की फसल को औने पौने दाम में पिट जाएगी, फिर ये 5,000 चली जाएगी। किसान को बर्बाद करने में चली हुई है सरकार, नहीं तो पहले आश्वासन दिया अभी 800 से 900 डॉलर में हम कर देंगे। नीलर ने ले लिया, नीलर भाई 300 डॉलर का थोप दिया, 20% सेंस लगा दिया, उनका बंदरगाह में माल पड़ा है, उसका नाश हो जाएगा, वो आठ चाहे पैसे मार लेगा, आठ चाहे पैसे मर जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। चैन को खत्म करना चाहती है बिल्कुल, ना कुछ खरीदते ना खरीदन दे रही है, कल से नहीं लिख रहा। और पहला काम होता है मार्केट कमेटी का, किसान का माल का ऑप्शन कराना, माल बिकवाना। कल से मार्केट कमेटी ने कोई दुकान पर जो नहीं रहेंगी, मार्केट कमेटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको चाहिए था खरीदारों से बात करें, मिलरों से बात करें, मिलर तो हमने मान लिया सारे भारत में हड़ताल करके। आपका काम था SDM साहब के माध्यम से या DC साहब के माध्यम से सरकार को आवाज़ पहुँचावे, भी कम से मेरी मंडी में माल पड़ा है, इतना क्विंटल माल है और बर्बाद हो जाए, बारिश आगे खराब भी होगा, ऐसा हमारे पास किसी साधन नहीं चलता, कितनी देर रखा होगा। आप ऐसा करिए, हमारे साथ पैदल SDM का चलिए, SDM से भी मांग करेंगे, SDM महोदय से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप किसी के बस की बात नहीं, आप DC साहब के पास चलिए, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है। प्रधान जी, वैसे तो योग प्रलय का मामला है, मैंने और मंडियों में भी बात करी है और SDM ऑफिस से पता कर लिया, सुबह आते ही मैं 9 बजे आएगा, मेरी मैडम दोपहर बाद आएंगी, उसके बाद मैडम के पास चल पड़ेंगे, ऊपर DMU साहब है, उनको मैंने इस बात से अवगत करा दिया जो स्थिति है। बस आने लगे, अभी आ जाते हैं मैडम, SDM मैडम हो, आप हो, आप सारे हमारे लिए मान सम्मान के योग्य हो, लेकिन कोई भी अधिकारी हो गया उसकी तनख्वाह भी रेवेन्यू तय आवे है। बिल्कुल सही बात है। और कल सुबह से जमींदार हो रहे हैं कति परेशान, और आज हमने अपने पूरे देश के किसान संगठन की बैठक भी बुलाई है, तो आज तो हम आपको ये कहने आए हैं कि भाई सरकार को कहो इसने ठीक तरीके से चालू करवावे, नहीं तो सरकार का जब जी करा है जब न्यू कह दे 1200 डॉलर में जाओगा, जब जी करा है जब न्यू कह दे 850 डॉलर में जाओगा, मतलब अपना घर का वो बना रहे हैं, देश में थोड़ी चल रहा, खरीदनी थोड़ी होगी कि नजीम तड़का उठेंगे कहते न्यू कह देंगे बोला भाई आज हमने 1200 कर दिया, अगले दिन तड़का उठकर कह देंगे हमने भाई आज 850 कर दिया, न्यू को सिस्टम थोड़ी चल रहा। आप भी अधिकारी हो, आपने भी मेरा इन बात का यही हम एक बार SDM मैडम से बताऊंगे, आप भी चलो देना है, आपको साथ चलना पड़ेगा ना, तो मैं बुला रखा हूँ, मैं खुद मैडम ने बुला रखा हूँ, अब आ जाते हैं, कोई बात नहीं, जनता के प्रति नहीं, जो मंडी के किसान, कोई बात नहीं, मैं भी किसानों किसान का बेटा हूँ, मैंने किस बात का पता, आपने हमारे साथ चलना पड़ेगा, साथ देने के आया, कम से कम मार्केट के मंडी सेक्रेटरी हमारे साथ हो। और आपने को जो लिखित में देना है वो आपके लिखित में देना है, खड़ा लग रहा है सेक्रेटरी साहब, जो लिखित में के दे भाई में के देंगे, फोन क्या सुन रहा है किसान और स्टाफ के लिखित में के देंगे, हम तो जो स्टाफ है आपका स्टाफ, चलो भाई सारे को लेकर के चावल काटता था, हम उसका चावल भी नहीं देंगे, एक्सपोर्टर के साथ ये दिक्कत आ कि उन्होंने अपने सौदे कर लिए 800-900 डॉलर में, अभी इन्होंने ये कह दिया कि 1200 डॉलर से कम यदि मार जाएगा तो 20% आपने टैक्स देना पड़ेगा, और बर्बाद हुए 300 डॉलर का उसमें टैक्स लगा दिया। फिर दूसरी बात, एक तरफ तो नारा देते भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान ये कर दिया, आज यही पॉलिसी में अमित शाह ने रखी, अदो पाकिस्तान के जमींदार की तो ये मानो उसका धान बहुत ही तेजी से बिकेगा, हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा, क्यों वहाँ का भी चावल जाता है और भारत का भी जाता है, जो एक्सपोर्टर हैं जो बाहर जो चावल भेजते हैं वो वहाँ से उठा लेंगे, यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा, एक्सपोर्टर ने ना लिया, ऊपर से बारिश है, आप मंडी का हाल देख लो, कल इस मंडी में बदबू आनी शुरू हो जाएगी, क्यों गीला कटता है कंबाइन से, तो वो जगह नहीं रही, यहाँ फलाने की जगह नहीं रही, उसको काट मारने की जगह नहीं रही, 2 दिन में किसान का बुरा हाल हो जाएगा।